भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया फर्स्ट टी20 सीरीज का काफी घातक विस्फोटक मुकाबला। बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां, तोड़ दिया 90 साल पुराना रिकॉर्ड। रिंकू सिंह ने लास्ट में 6 गेंदों पर ठोक दिए 6 छक्के, तो वही सूर्य कुमार यादव और घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम को 2 वनडे मुकाबले हरा दिए हैं, इस तरीके से हम बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को खदेड़ देंगे। लेकिन शायद बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सबसे बड़ी भूल बेवकूफी रही। आखिरकार सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव तो वही रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की और पहले टी20 सीरीज मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच पहले टी20 सीरीज के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस की बाजी जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा खुश हुए। शायद उन्हें लगा कि टॉस की बाजी अगर हम जीत गए तो इस मुकाबले को भी बेहतरीन तरीके से जीत लेते हैं। बांग्लादेश के तूफानी विस्फोटक खतरनाक गेंदबाज पहला ओवर लेकर गए जहां पर कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया की रीढ़ के हड्डी विराट कोहली ओपनिंग में उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगन चुंबी छक्का ठोक दिया और पहले एक ओवर में 14 रन ले लिए। तो वहीं दूसरे ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक चौके से शुरुआत की, तो वहीं चौथी बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं छठी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका फिर ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान समझ चुके थे कि श्रीलंका से हार के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और काफी ज्यादा गुस्से में है। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर था और कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली दोनों बल्लेबाज खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर एक चौका लगा दिया, तो वहीं तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर फिर एक छक्का ठोक दिया। यहां पर 2 छक्के और एक चौका फिर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिया। टी20 सीरीज के मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा रन कम और छक्के पर छक्के चौके पर चौके ज्यादा ठोक रहे थे, तो वहीं विराट कोहली का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों को आउट करें तो करें कैसे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने के लिए। लेकिन विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल नहीं, यहां पर नामुमकिन था। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 4 ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से एक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से यहां पर 10 रन फिर समेट लिए। बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। विराट कोहली और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 5वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका लगा दिया और 5वें ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। लेकिन यहां पर 6वें ओवर की पहली ही बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली आउट हुए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल। जी हां, काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन तरीके से शुरुआत की और यहां पर 7वें ओवर में आते ही मैदान पर पहली बॉल पर यहां पर 2 रन दौड़ करके ले लिए। शुभमन गिल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 3री बॉल पर एक चौका ठोक दिया। शुभमन गिल ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से 7वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का माथा चकरा रहा था आखिर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने धीरे धीरे 8वें ओवर तक जाते जाते शतकीय पारी पूरी कर दी और अभी भी कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था, तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी ताबड़तोड़ तरीके
तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान टॉस जीतकर काफी ज्यादा खुश थे, शायद उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर ढेर कर देंगे। लेकिन यहां पर 9वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब यहां पर शुभमन गिल 28 रन ठोक करके आउट हुए। अब शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उससे पहले विकेट कीपर ऋषभ पंत आया, लेकिन विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और फिर एक बार 3 रन बनाकर के आउट हो गए। विकेट कीपर ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए, काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 9वें ओवर की छठी बॉल पर एक छक्के से शुरुआत की। आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तब तक भारतीय टीम को 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर काफी बड़ा झटका लग गया जब हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में टी20 सीरीज के मुकाबले में 198 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जो मैदान पर तूफानी विस्फोटक घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव अगर एक बार पिच पर मैदान पर टिक गया तो अकेले ही 200-250 रन बनाने की क्षमता रखता है। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। बांग्लादेश के गेंदबाज के रोंगटे खड़े हो गए। सूर्य कुमार यादव और घातक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर तूफानी विस्फोटक तरीके से 11वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका ठोक दिया, तो वही 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, तो वही 11वें ओवर की पांचवी बॉल पर फिर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया, तो वही छठी बॉल पर फिर छक्का लगा दिया। लगातार 2 छक्के 2 चौके यहां पर हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए और बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो वही 12वें ओवर की 6 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया, तो वहीं 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी चौका ठोक दिया, तो वहीं 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक चौका ठोका, तो वहीं पांचवी छठी बॉल पर छक्का छक्का लगा दिया। यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर गदर मचा रहे थे। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। सूर्य कुमार यादव को रोकने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। सूर्य कुमार यादव तूफानी विस्फोटक तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और सूर्य कुमार यादव काफी गुस्से में भी थे, श्रीलंका से हमारी भारतीय टीम हारी थी और उस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे थे। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने कसम खाई थी कि मैदान पर पहुंचते ही दोहरी शतक की पारी खेलेंगे और आखिरकार वही हुआ। सूर्य कुमार धीरे धीरे यहां पर 14वें ओवर तक जाते आते यहां पर 112 रन ठोक चुके थे और अभी भी नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर तहलका मचा रहे थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें, 13वें ओवर की चौथी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक ऑलराउंडर बल्लेबाज जब हार्दिक पांड्या आउट हुए और हार्दिक पांड्या ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की और 52 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आया खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, आप सभी को बता दें जो बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है, जो काफी खतरनाक और आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की, जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही छक्के से शुरुआत की। रिंकू सिंह तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ पूरा दिखाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 14वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया, 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर एक गगनचुंबी छक्का ठोका जहां पर बांग्लादेश के गेंदबाज के ऊपर काफी बेहतरीन दबाव बन गया और 14वें ओवर की चौथी और पांचवीं छठी 3 छक्के फिर लगातार ठोक दी, यानी कि 14वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज का करियर ही खत्म कर दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजा। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बरसा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी
बल्लेबाजी देकर। तो वहीं हेडमैन कप्तान रोहित शर्मा भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने एक दूसरे की मदद से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 15वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और 2 चौके यहां पर सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए 16वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से फिर 3 छक्के और 3 गगनचुंबी चौके ठोक दिए। रिंकू सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिंकू सिंह को आउट करने के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश के गेंदबाज क्या यहाँ पर कोच गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली खड़े होकर के रिंकू सिंह को सलाम ठोकने लगे। जब रिंकू सिंह ने इतनी आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी की, रिंकू सिंह ने 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और युवराज सिंह का भी बना रिकॉर्ड तोड़कर एक अपना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 17वें ओवर की पहली बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर फिर छक्का ठोक दिया और बची हुई 3 बॉलों पर लगातार चौका ठोक दिया। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए बेहतरीन घातक विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट जगत के फैंस खुशी से नाच उठे और रिंकू सिंह का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 20वें ओवर तक जाते आते 198 रन ठोक दिए और महज 4 ओवरों के भीतर रिंकू सिंह ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 ओवरों के भीतर 198 रन बना दिए और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में 455 रन ठोक दिए। अब भारतीय टीम को यहां पर 455 रन बना दिए। अब यहां पर बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 456 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेश की टीम काफी उम्मीद से मैदान पर उतरी और बांग्लादेश की टीम को लग रहा था कि जिस तरीके से श्रीलंका की टीम ने हराया था उस तरीके से हम भी हरा देंगे, लेकिन शायद बांग्लादेश के बल्लेबाजों की सबसे बड़ी बेवकूफी रही। बांग्लादेश की टीम की तरफ से सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ओपनिंग में। सबसे पहला ओवर लेकर के गए रवि बिश्नोई। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 4 रन दिए और दूसरा ओवर लेकर के गए भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर में तूफानी विस्फोटक अंदाज में सिर्फ 2 ही रन दिए। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। हर्षदीप सिंह गए, हर्षदीप सिंह ने यहां पर 8 रन दे दिए। चौथा ओवर लेकर के गए फिर मोहम्मद सिराज ने एक विकेट चटका दिया और एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 5वां ओवर लेकर के गए हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके खाए, जहां पर हर्षदीप सिंह काफी ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन वहां पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज भी कहां किसी से पीछे जाने वाले थे। रवि बिश्नोई जब यहां पर 8वां ओवर लेकर गए तो रवि बिश्नोई ने विकेट एक भी नहीं लिया, लेकिन पूरी की पूरी टीम हैरान रह गई क्योंकि एक ओवर के भीतर एक रन भी नहीं बनने दिया। बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन फिर हर्षदीप सिंह 9वां ओवर लेकर गए तो हर्षदीप सिंह ने यहां पर महडे को आउट कर दिया। जी हां, महडे काफी ज्यादा फुदक रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर हर्षदीप सिंह ने विकेट ले लिया। तो रवि बिश्नोई ने 11वें ओवर में एक विकेट चटका दिया। हालांकि 11वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के 3 विकेट जा चुके थे और रन बांग्लादेश के सिर्फ 78 बने थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम एक बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि अब 11वें ओवर से लेकर के यहां पर 17वें ओवर तक भारतीय टीम को कोई भी विकेट हासिल नहीं हुआ। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो 2 जोड़ी ऐसी थी जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी, जो रुकने का और हटने का नाम नहीं ले रही थी और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट कर वो बल्लेबाजी कर रहे थे। एक पल के लिए भारतीय टीम को ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी क्योंकि वो 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज एक 154 तो एक 132 रन ठोक चुका था और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उन तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को आउट करें तो करें कैसे और भारतीय टीम के हाथों से मैच फैसला हुआ जा रहा था। लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें, मोहम्मद सिराज ने अपना तूफानी विस्फोटक तरीके से तरीका चलाया और 18वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। तो वहीं भारतीय टीम के तूफानी चमकते हुए हीरे गेंदबाज रवि बिश्नोई ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपनी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी की और 19वें ओवर में 1 विकेट चटका दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डट कर गेंदबाजी कर रहे थे। यहां पर बांग्लादेश के बल्लेबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश की टीम को एक ओवर के 25 रन चाहिए थे, एक ओवर में 25 रन चाहिए थे बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए, लेकिन बांग्लादेश की टीम को यह नहीं पता था कि अक्षर पटेल जैसा तूफानी विस्फोटक गेंदबाज भी आएगा। जी आप सभी को बता दें, 20वें ओवर की 4थी बॉल तक जाते जाते यहां पर घातक विस्फोटक गेंदबाज, तूफानी विस्फोटक गेंदबाज ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट चटका दिए और उन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में 19वें ओवर तक जाते जाते 20वें ओवर तक जाते जाते
पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को चित कर दिया और भारतीय टीम ने बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में इस मुकाबले को जीत लिया। रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ने काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। फिलहाल ये वार्म मुकाबला था। इस ओर से दुआ कामना बना रही कि हमारी भारतीय टीम जीते। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर अभी करें। मिलते हैं।